नमस्कार, मैं हूं आकाश। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। डीएम मनोज कुमार झा ने शहर के डॉक्टरों, बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों, व्यापार प्रतिनिधि मंडल व धर्म गुरुओं, पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर लोगों को कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करने के लिए अपील की। अयोध्या से जिला संवाददाता शुभम पाठक की रिपोर्ट। शासन के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कल हम लोगों ने एक बैठक की थी, जिसमें व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारी, जो IMA के पदाधिकारी हैं, जो मैरिज लॉन्स एसोसिएशन है, जो हमारे अन्य जो सामाजिक संगठन है, जो प्रोफेशनल ग्रुप हैं, जैसे बार एसोसिएशन है, इन सबके साथ एक बैठक की गई थी। उसमें अयोध्या के प्रमुख संत धर्माचार्य ने भी उसमें प्रतिभाग किया था और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी प्रतिभाग किया था। इसमें सभी से अनुरोध किया गया कि आगामी कोविड के खतरे को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति जो किसी भी दुकान में जाता है या किसी कचहरी में जाता है या किसी बार जैसे क्रू मेंबर्स हैं उनके बस्ते पे जाता है, तो उन सबको मास्क पहनने के लिए प्रेरित किया जाए। और साथ ही जो हमारे पुलिस के ऑफिसर्स हैं, मैजिस्ट्रेट्स हैं, वो रोजाना मास्क कंप्लायंस का अभियान भी चलाएंगे और जो भी व्यक्ति इसमें बिना मास्क के भीड़ का हिस्सा बनेगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और उनको मास्क पहनने के लिए प्रेरित किया जाएगा। तो ये इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि जो विंटर का सीजन है वो कोविड के खतरे को देखते हुए बहुत ज़्यादा मतलब एक क्रिटिकल पीरियड है। इसमें हम लोगों को संक्रमण को बढ़ने नहीं देना है, इसी को ध्यान में रख करके ये पूरा जो अभियान चला जा रहा है और आने वाले समय में इसकी लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। मैं स्वयं भी ट्रेन में उतर के देखूंगा और हम लोगों की ये कोशिश होगी कि अयोध्या जिले में जो है वो कोविड के दूसरे वेव का कोई भावना उसके लिए समस्या।